पीछे गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी ने पिछले दो दिन तीन दिन पहले वो हरियाणा फरीदाबाद के खोरी गांव में आए, वहां पर आकर के ठीक है अगर आप किसी भी के साथ कुछ गलत हो रहा है आपको उसकी मदद और उसकी इमदाद करने का पूरा हक है, परंतु उन्होंने वहां पर हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आज तक हरियाणा के इतिहास में उनसे ईमानदार और उनसे ज्यादा काम करने वाला उनसे ज्यादा समय देने वाला कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ। हमारे श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने इतना काम किया है, इतनी योजनाएं लागू की हैं, उनके खिलाफ उन्होंने पाकिस्तानी एक गंदा शब्द उस पुरुषार्थी समाज के लिए जिसने अपना सर्वस्व देश और धर्म के लिए कुर्बान कर दिया परंतु धर्म और देश नहीं छोड़ा, अगर वो चाहते तो उस समय में अपना सब कुछ अपने पास रख सकते थे, केवल उन्हें क्या बदलना था, आरती की जगह पे अजान पढ़नी थी, अगर वो अजान पढ़ते तो आज वहां पे अरबों खरबोंपति होते, परंतु उन्होंने धर्म और देश के लिए अपना सर्वस्व छोड़ के भारत देश को पसंद किया और अपने भारत में पश्चिमी पंजाब से और पंजाब की तरफ आए। उन लोगों को वो गुरनाम सिंह चढ़ूनी जो कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर उसके संगठन के लोगों ने ही भरोसा नहीं किया, कई बार उन पे आरोप लगे कि वो रिश्वत ले रहे हैं, कई बार उनके ऊपर पार्टियों से, और वो खुद एक राजनीतिक है, वो विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, उनकी धर्मपत्नी लोकसभा चुनाव लड़ चुकी हैं, वो हमारे मुख्यमंत्री को क्या वो बताएंगे कि वो कितने ईमानदार हैं और क्या है। हमने गुरनाम सिंह चढ़ूनी का जो है ना हमने पुतला फूंका है और वो इस वजह से फूंका है कि उसने फरीदाबाद के खोरी गांव में मुख्यमंत्री यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर को पाकिस्तान शब्द कहा है। हमें जो एक पाकिस्तानी शब्द कहा है हमें उस पाकिस्तानी शब्द से बहुत कड़ा ऐतराज है और इस पंजाबी पाकिस्तानी शब्द कहने से पूरा हरियाणा का पंजाबी समाज आघात हुआ है और गहरा दुख हुआ हमें, और हम सरकार से मांग करते हैं कि या तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करे या गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी से कहेंगे कि वो इस माफी मांग ले ताकि आगे जो है ना द्वेष भावना कोई समाज में ना फैले।